गाड़ा पूर्व मंत्री और इस विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी, अपने परम उदार परम आदरणीय गुरुवर के साथ इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके दिशा निर्देश में उनके रहते हुए जो आनंद आता है वो लगता है जीवन के जो सबसे सार्थक क्षण है उनमें से एक है। बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा कुछ न कह करके हम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा संस्कार से जुड़ी है और संस्कार हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, अपने गुरुजनों से मिलते हैं। सबसे पहले संस्कारों की बात, काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जब आप महाविद्यालय आने के लिए घर से निकलें तो सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करें, नमस्ते करें, प्रणाम करें, उसके बाद ही महाविद्यालय आए। ये सबसे पहला संस्कार है। देखिए महाविद्यालय के प्रबंधक महोदय से, श्री गंगा देवी पीजी कॉलेज में आए हुए सभी छात्राओं, आए हुए अतिथिगण, आईएलबी कॉलेज के प्राचार्य सर तथा सम्मानित महाविद्यालय के प्राचार्य सर और सभी हमारे बीच बैठे सम्मानित सह आवेश कुमार सर, मैम और सभी पत्रकार बंधु, आप सबको राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष में बहुत सालों तक उपनिवेशवाद का समय रहा है, उसमें मुस्लिम साम्राज्य रहा है, उसमें अंग्रेजी साम्राज्य रहा है। ऐसी शासन व्यवस्था रही है कि उस शासन व्यवस्था से हम बहुत जकड़े हुए थे और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच हमारे मैनेजर सर बहुत अच्छे से जानते हैं। एक युग है, अगर मैं कहूँ अपने शब्दों में, तो हिंदी साहित्य का एक युग है सर। अगर कुछ लिखा जाए तो मुझे लगता है कि जब से सर का जन्म हुआ है, मैनेजर साहब का, प्रबंधक सर का, और आज तक अगर लिखा जाए तो बहुत बदलाव हुआ है। और इस बदलाव की श्रेणी में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया है, समाहित कर लिया है हिंदी को, कि अब हिंदी चाह करके भी बहुत तेजी से अपने पैर पसार नहीं पा रही है। लेकिन हम सबको भूलना नहीं चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन हुआ था 2001 में और आप हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया। बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि हुई थी कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे ऐसे देश में गया जहां पर केवल और केवल इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, समझी जाती है, और वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे उनके बीच खड़े होकर के अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी राजभाषा, अपनी मातृभाषा को प्रोजेक्ट करना, प्रस्तुत करना, अभिव्यक्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार करते हुए हर्षपूर्वक अपनी वाणी से अपनी बात रखी, उनका सम्मान किया। आज का ही दिन है कि आपको युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी मनाते हैं और ठीक दो दिन पहले 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस के ठीक दो दिन के बाद युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इंसान जिन्होंने विदेश में जा करके उनको अपना भाई बहन कहा और हिंदी में कहा, तब से लोगों को लगने लगा कि वास्तव में हिंदी में वो ताकत है कि सबको अपना बना लेती है। यही कारण है कि आज हिंदी विश्व में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। अपने बच्चों की तोतली वाणी भी सुनना बड़े सौभाग्य का विषय होता है। आप जरा सोचिए, आज भाषाओं की बात हो रही है, सभी अपना अपना झंडा ऊंचा किए रहते हैं,
हिंदी वाले हिंदी अपना झंडा ऊंचा किए, अंग्रेजी वाले, संस्कृत वाले, उर्दू वाले, सभी भाषाओं के, कोई भाषा खराब नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही रोता है, कौन सा महाकाव्य सुनने के बाद आपको वो आनंद मिलेगा जो तत्काल पैदा हुए बच्चे के रुदन को सुन के आनंद मिलता है। दो तीन साल, दो तीन महीने का होता है और जब रोने लगता है तो माँ छटपटाने लगती, कोई शब्द नहीं उसके पास अभी, क्या हुआ मेरे बेटे, भूखा है कि दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, क्या कर रहा है। अब सब शोध शुरू हो जाते, रिसर्च शुरू हो गई। बार बुढ़ा बाबा छप्पर के नीचे पड़ाए तो नहीं महाविद्यालय में आने वाले की मेहमान डॉक्टर किशोर पांडे जी, गुरु जी पीयूष कुमार जी, हरिनारायण पांडे जी, कांग्रेस के नौजवान युवा नेता आस्था देखभाल साहब और हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्री के सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवेश कुमार, प्रवेश कुमार जी, तेज प्रताप जी, तेज प्रताप जी, अनुभव महोदय और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं और प्यारे बच्चे, आज आपका भाषा का क्षेत्र ही नहीं, हमारे विद्वान हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर पांडे जी ने कहा है, राजनीति की भाषा अवध। आज ही हमारे देश हिंदी दिवस मनाया गया और आज पहली बार 2012 के बाद पहली बार डॉक्टर ऋषिकेश जी ने यह आयोजन किया है।